हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन। ये है सुबह का ब्यूटीफुल सा सनराइज़ जो कि बिल्कुल घर के सामने होता है। आई विश मैं थोड़ा और जल्दी उठता। ये सुबह 5:30 का समय था और जो ये लोग हैं ये 4:30-5 बजे से उठे हुए हैं, पानी भरते हैं पूरे दिन के यूज़ के लिए। सबसे मेन काम है सुबह का पीने का पानी भरना, जिससे कि पूरा दिन चलता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इतनी सुबह उठ के। दिल्ली में ऐसी आदत नहीं है हमारी, बट ये जो व्यू है टोटली वर्थ इट है। जब आप अपने घर से बाहर निकलो, इसी के लिए लोग एयरबीएनबी के पैसे देते हैं और यहाँ पर हमें गांव में ये व्यू, ये एक्सपीरियंस मिल रहा था। और यहाँ हमारी मैडम को भी पानी भरने की ड्यूटी मिल चुकी है टैंकी में। गुड मॉर्निंग। सो हम लोग उठ गए थे सनराइज पे। देखिए कितना ब्यूटीफुल सनराइज है, आपको नहीं दिख रहा होगा। सुबह सुबह मैं तो 3 बजे उठ गई थी, पर ये मां से जस्ट अभी उठे। अभी भी 5:30 बजे गए, आप लोगों से पहले ही है। 5:30 बजे और यहाँ पे ऐसा लगा कितनी सुबह हो गई है। और हम लोग थोड़ी सी ट्रैकिंग पे निकल गए। हम लोग निकल गए थोड़ी ट्रैकिंग पे। ये देखो कितने सारे आम, माय गॉड, हर जगह आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम, माय गॉड। और दिल्ली में होते तो हम इतना तरसते हैं ना। दिल्ली में तो पता नहीं, अभी तो इस टाइम हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं, सो रहे होते इस टाइम तो। सोना शुरू करते हैं, मतलब सोना ही तो एक्चुअली नाइट शिफ्ट है मेरी वजह से। सो अभी हमारे आज है जागर नाइट, तो हमें रात को जगना है। वैसे तो जागर नाइट मीन्स हमारी आज पूजा है, जिसको जागर कहा जाता है। तो आज हमारी जागर नाइट, जागर नाइट मीन्स जागना, मीन्स जागर से आप समझोगे जागना। तो लाइक ये एक पूजा होती है जिसमें देवताओं को जगाया जाता है। अच्छा। उनकी कोई भी हो जाए, चाहे कोई खुश हो चाहे दुखी हो, उस वजह से देवताओं को जगाया जाता है। उनसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो देवता आते हैं, या खुशी में भी शामिल करवाते हैं। खुशी में भी, अब जब कोई खुश है तो उनको बुलाते हैं, उनको पूछते हैं, लाइक जो उनको फील होता है। तो ये जागर नाइट होती है। Exactly. एंड सारी डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। एंड जागर नाइट गांव में कैसी होती है, क्या क्या होता है, ये एक्सपीरियंस भी करेंगे। एंड ये एक्सपीरियंस आपको अपनी आँखों से हम दिखाएंगे, जिसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस व्लॉग में। ये है आम का पेड़ और यहाँ से हम जब गांव आया करते थे इसमें इतना खेलते थे। एक्चुअली दो तीन और थे, हाँ जैसे ये रहे, गिरे गिरे, तो बहुत छोटे छोटे से आप चढ़ के बैठ भी सकते हो। हम लोग तो बैठ जाते थे, कितने आम लगे थे कुछ। और इसको सांस चढ़ गई है और अभी हम ज्यादा चले भी नहीं है, 2 कदम हुए। एक्चुअली हम ऊपर चढ़े, ये देखो कितने नीचे नीचे आम है। आम मन करते इनको तोड़ के खा जाओ। और कल हमने वो भी बनाया था ना, आम का क्या कहते हैं उसे, कल हमने आम थोक टॉप, आम टॉप, यही बोलते हैं, आम पन्ना टाइप, जो कि पीना चाहिए, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। लू नहीं लगती उस टाइम, बहुत अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि 4 कदम बंदा चढ़ जाए तो सांस ना चढ़े। बिना सांस चढ़े बोल पाए, चढ़ेगी दिल्ली वालों की। नहीं, दिल्ली वाला मैं भी तो हूँ, मेरे धन चढ़ी। अजी बताओ, अभी आवाज से पता चल जाएगा लोगों को। गाइस बताओ अभी ऐसे कौन बोल रहा था। अभी इसमें नींबू लगे थे पिछली बार, आपने गांव का नींबू खाया होगा, आई गेस वो इतना बड़ा होता है। तो ये रे, और ये जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे सितंबर के साइड में, इतने बड़े बड़े थे। अब इसको खाओगे मतलब मसाला सा डालते हैं, टेस्टी होता है। अलग अलग तरह के रखे हुए हैं, आई मीन लगे हुए हैं पेड़ यहाँ पे। कड़ी पत्ते की तो भरमार है, जो कि मम्मी दिल्ली में भेजती रहती है, वहाँ से लिया, यहाँ से लिया, वहाँ से उठा के ला, वहाँ से निकाल के लिया। डर लगता है कलेश ना हो जाए। यहाँ तो देखो एक कड़ी पत्ते का भरा पड़ा है ऐसे ही नॉर्मल। और ये आम के तो भाई पके हुए होते ना, और मजा आता।
आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है जो आम वाले होते हैं वो दवाई वाई लगा के यही वाले तो भेज देते हैं, जल्दी से हो जाते हैं वो खाने लायक टाइप। सुनो सुनो सुनो, ये तो ऑर्गेनिक है। अरे सुनो, वहाँ पे ना वो पेड़ ना कटा हुआ था, जैसे लगा शेर में। हाँ ओ भी हाँ, यहाँ पे बाघ बहुत घूम रहे। हाँ रात को हम बाहर भी नहीं निकले तो बता रहे थे कि हमें रात वात को नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा ध्यान से या किसी को लेके जाए, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ का मौसम क्या है क्या नहीं है। एंड एक रात को मेरे को कहानी भी बताई कि एक बार वो तुम्हारे चाचा चाची है ना, जो मेन सॉरी यहाँ के हैं ना जो भी है, और ऊपर एक भैया और डॉगी सो रहा, तो भाई रात के टाइम ना कुत्ते ने भोंकना शुरू कर दिया, रात को भोंकना शुरू कर दिया। अच्छा वो उन्होंने गेट वेट नहीं खोला, जब सुबह निकले ना तो तुम्हारे मेन जो चाचा चाची उन्होंने बताया कि शेर वेर आया था कुत्ते के चक्कर में। अच्छा वो गेट नहीं खोला, नहीं तो ओके भाई टाटा हो जाता तो बड़ा हाँ बहुत बाघ बाघ आते हैं तो थोड़ा है इन चीज़ों का। कल हिरन वीरन तो हमने नॉर्मल देखा था यहाँ पे, ये क्या अंजीर, हाँ बेड़ू अंजीर को कहते हैं एक्चुअली। ये क्या है, ये बेड़ू है अंजीर मतलब, और ये मतलब काले होते हैं तो मतलब पक गए, अभी ये ब्राउनिश में तो नहीं पके, कल हमने खाए भी थे। गाइस हमें टास्क मिला है तेज पत्ता जो सब्जी में डलता है वो तोड़ के लाने का, पर हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा तेज पत्ता, तो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, हमें सपोर्ट किया जा रहा है, पर यार रास्ता ही नहीं है। अच्छा ये दोनों तेज पत्ता है, ये रहा ये और ये। अच्छा कितने लाऊं, खाए के लाने लाने हैं, नहीं कोई कह रहा था तेज पत्ते लेके आने। हाँ अभी आवाज आई थी, चाहिए फिर पक्के पक्के कौन से होते हैं, पक्के कौन से होते हैं। अच्छा डार्क हरे सारी हरे हैं ये तो पूरा हरा है। वहां से भौंका जा रहा है। लूसी लूसी नो लूसी, केले के पेड़ पे बंदर चढ़ता है और पेड़ के पेड़ पे ये चढ़ रही है। अरे कहना क्या चाहते हो, मैं कह ये क्या हो गया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा बट सही तो बोला मैं, पेड़ के पेड़ पे। अरे कहना क्या चाहते हो, आम तो बहुत लगे, अगर आप ढंग से देखोगे मजा आ जाएगा। इतना सा चढ़े हो, ये तो कुछ भी नहीं है, एक लेवल और इधर आ जाओ ना, इधर वाले पे चले जाओ, इधर वाले पे या उधर उधर बैठ जाओ तुम, अब छोड़ो फिर। हाँ वही तो, गांव में बहुत ही बेसिक एक आदत होती है, आपको पेड़ वेड़ पे चढ़ना आना चाहिए, कभी जरूरत पड़ सकती है। तो चप्पल पहन के ठीक रहेगा, नंगे पैर, नंगे पैर ज्यादा ग्रिप पहनते हैं। ओके चढ़ा तो हूं ऐसे तो दिक्कत नहीं है। अरे चलो के पेड़ आम तोड़ लो, आम देखो वही एक ब्राउन ऑरेंज ऑरेंज कुछ निकल रहा है गोल्ड जैसा, आम तो मैं कितने कहूँगा कितने तोड़ दिए। दिस इज द आम, दिस इज द आम, दिस इज द आम, दिस इज द आम, तोड़ नहीं रहा मैं। चलो आ जाओ, हमें चाहिए नहीं अभी, और ऊपर चढ़ो क्या? नो, एक लेवल अब तो बनता है। नहीं बस करो यार, चलो ठीक है, उतरना वो उतर तो जाऊंगा बेटा, तो कॉन्फिडेंस है। बाबू बंदर हो, आप उतर जाओ। तुम्हारे दादा ने मजाक में ले लिया, कहते तो ऊपर मत चढ़ो, समझते हैं मुझे। कभी भी आप गांव में या कहीं भी जाते हैं ना जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला एक पौधा होता है जिसमें हल्के काटे काटे टाइप का बना होता है शेप,
इससे जरूर बच के रहना। राजस्थान में हमने नहीं राजस्थान नहीं सॉरी ऋषिकेश में हमने बताया था, जब इस लड़की ने बताया था अच्छे से कि इससे खुजली बुजली हो जाती है बहुत, बट कोई कोई लोग सब्जी भी खाते हैं जैसा कि हमने बताया था, तो ऋषिकेश वाला वीलॉग भी देख लेना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, बट हाँ इससे बहुत खुजली हो जाती है गंदी वाली। तो ये हम गांव के एक दूसरे घर में आ चुके हैं जहाँ पर आई गई, अच्छा ये वाले रूम जो बनाए हुए ना मैं ओ भाई ओए ओए हमारे पे आ रही है शिट नहीं ओए ओ भाई जैसे आज भी मैं क्या चढ़ने जाए भैंस कैसे देख रही है हमें बड़ा नहीं आया था वो कभी आ गए तुम जमाई जी आ गए वो दिख दिख कैसे देगी पता कैसे देगी और देख देखिए इसको ये पता नहीं ये लग रहा है मैं बैठ पंजाबी पहाड़ी कनेक्शन में आपका स्वागत है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं भैंस की, जो एक भैंस पहाड़ी भैंस है। आए देख देख इनके देखो बाल अलग से होते हैं ना थोड़ा, और ये शॉर्ट हाइट के होते हैं वैसे पहाड़ों साइड में, थोड़ा शॉर्ट हाइट के मैंने ज्यादा देखा वैसे, गायें भी भैंस भी और कहीं कहीं तो घोड़े भी मेरे को लगता है। हाँ, शॉर्ट हाइट वाले उनके बाल अलग है, इनके बाल अलग है, दाढ़ी वाड़ी आई हुई अलग से छोटा है सिस्टम अलग है इनका। ये कहीं बीच में जाके पुदीना लगा हुआ है आराम से, और कल मतलब हाथ वाथ लगा के कोई चढ़ा था बस इस पर, बाद में हाथ से खुशबू सुंघाई थी पता चल रहा था कि कोई चीज़ है, मतलब ऑर्गेनिक पुदीना है। दिस इज़ द पुदीना फॉर यू गाइज, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब विलेज एक्सपीरियंस देख के, एंड जो आज शाम को होने वाला है जागरी वो तो अलग ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मज़े करो, इन्जॉय करो। कैसे लग रहा आपको नहाने खुले में? सो यहाँ हमारी सुबह की पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अभी यहाँ थोड़ी पूजा वूजा होगी, सब परिवार वाले इकट्ठा हुए और परिवार वाले अपनी पूजा करेंगे, फिर शाम को हमारी जागर लगेगी, आपको हम दिखा दें पूजा। हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर ये देखिए चालू हो चुका है काम, तैयारियां चालू हो चुकी हैं, मिलजुल के खाना पीना, यहाँ सब्जी बन रही है और पीछे और बातें बातें चल रही है मिलजुल के। चलो जीजू, ये देखो इसको जीजू गद्दारी कर रहा है मेरे साथ, ये सब्जी बन रही है, ये चाचा को देखो फुल मेहनत चल रही है। रिद्धि को हेलो कर दो, कह दो रिद्धि तू क्यों नहीं आई मम्मा वो नीचे लगी हुई है, वो पूरी लाइन बनी हुई है ऊपर तक जा रही है, अभी आधे घंटे रुक जाओ। वह कितना पुराना होगा फिर भी ये घर? वो कम से कम 15-20 साल तो होगा, 15-20 और हिला तक नहीं आप कह रहे हो। ये पत्थर बड़े सही होते, भारी भारी होते होंगे ना, ये तो असली वही पहाड़ी है ना, ये पहाड़ के पहाड़ के होते शेप भी बनाते होंगे ना उसकी, फिर उस हिसाब से जो जैसे है अब कोई मजदूर बुलाते होंगे लेबर, जैसे कि ऐसे पत्थर है ये मोटा है। अच्छा, इसी को काट पीट के थोड़ा दीदी खाली हो रहा है।
कुछ ऐसे निकलते हैं। चट्टान गिरता तो कुछ ऐसे निकलते, चट्टान गिर जाए तो गिर जाते हैं ना, तो फिर इसको प्लास्टर भी लगा के नीचे से ऐसे रखते हैं। कल तो मैं था, कितने बजे? हेलो, क्या हो गया? ये कौन है? आई आई मम्मी हंसती नहीं, हंसती नहीं, हंसी नहीं आती इसको, नहीं आती ना, नहीं आती ना। पूरा खाती है यहाँ बन गई रोटियाँ। आई 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 हमारे जो देवी 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 चाचा है ना, उनके ससुर है वो। अच्छा, उनके यहाँ हुई थी जागरी। अच्छा, तो उनके यहाँ मेरे को भी ऐसे ही समझाया जैसे मैं इनको समझा रहा हूँ ना, ऐसे ही मेरे को मेरे बड़े भाई ने समझाया। एक तो वहाँ हंसी उमर और दूसरा डरी उमर। फिर भी मैं बैठा रहा, मैं भाई के बगल में बैठ गया, वो हमसे सबसे बड़ा भाई, वो यहाँ आया नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद जब जागरी शुरू हुई ना, कोई किधर से हिल रहा है, कोई किधर से हिल रहा है, कोई किधर से हिल रहा है, कोई ऐसे दहाड़े मार रहा जोर जोर से, मेरे को हंसी तो आ रही थी, मैं यूँ करके बैठ गया चुपचाप। मैंने कहा ऐसा ना सारा तो मेरे पास से ना उड़ जाए। वो तो रहता ही है। फर्स्ट टाइम तो हम भी गए थे, सबसे आगे बैठे थे हम लोग, सबसे आगे जाके फिर इतना पीछे सबको पिचका दिया हमने, पीछे पीछे हो गए, टटर लग गए, फिर हम पीछे सबके बैठे पलंग पे पीछे बैठ जाओ। अब तो मुझे भी डर नहीं लगता, मैं दो या तीन बार, एक बार तो घर पे देखी थी हमने, उस टाइम भी हम छोटे छोटे से थे। मम्मा सुन रहे हो आप, इधर सुन लो पहले, काम कीजिए। सुनेंगे वो और भूत प्रेत भी आते हैं। हाँ, वो अच्छी शक्तियाँ बुरी शक्तियाँ सारी सारी शक्तियाँ ही आती है उस टाइम, तभी किसी को उठने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते। हाँ, नहीं जाने देगा कोई, कोई भी नहीं जाने देगा। अगर तुम यहीं कोने पे बैठे हो ना, तुम सोच लगे थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, नहीं जाने देंगे। वो इसीलिए कि ऊपर की हवा भी बहुत चलती है। हाँ, उस टाइम बता रही थी मेरे को, बता रही है। हम ऊपर है और यहाँ पे नीचे रोटियाँ बन रही है चूल्हे पे, पूरे गांव मतलब जितने भी लोग आए उनके लिए यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं ऊपर वाले रूम पे, और यहाँ सब रेडी है, आज जागर नाइट है इसके लिए। और हम लोग ऊपर बैठ लगे कि शुरू है, उधर भी खाना बन रहा है। जागरी से पहले सबसे पहले खाना खिलाया जाता है लोगों को जो भी आते हैं, तो अभी हम खाना खा रहे हैं। खाने में क्या क्या है? पनीर, आलू मटर, पनीर मटर, आलू मटर, पनीर मटर, सोयाबीन आलू एंड देसी रायता पहाड़ी, रोटी, और ये लून, लून जो भी होता है, नमक, नमक होता है लहसुन वाला गाँव का, पूरा अंधेरे में। खाने के बाद शुरुआत हो चुकी है जागरी की, जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था। जितना हमने जागरी के बारे में सुना था, तो मैंने, बट्टू ने और मम्मी ने पहले ही कोने कोने की सीट्स पकड़ ली थी। एंड जागरी की शुरुआत में ये दो साजों का इस्तेमाल होता है, एक है ये डमरू जैसा और दूसरा है ये थाली जो बजाई जा रही है। और यहाँ हम चारों तरफ अपने बच्चों का घेरा बना के बैठ चुके हैं, लाइक ये बॉर्डर के हमारे सिपाही हैं जो कि हेलो कर रहे हैं। कहा जाता है हर देवता को बुलाने की अलग चाल होती है, यानी कि अलग तरह से बुलाया जाता है, गाया जाता है। कहते हैं जागरी के टाइम बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सारी नेगेटिव पावर्स जो होती है वो बाहर घूम रही होती हैं।
अपनी तरफ से वी ट्राइड कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मिले जागरी का, कि कैसा होता है, क्या होता है उसमें। एंड कुछ वीडियोस हम नहीं डाल पाए प्राइवेसी की वजह से, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। एंड रात के टाइम यहाँ पर जागरी हुई थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाया वो आपको लास्ट दिन का जो व्लॉग होगा उसमें आपको ज़रूर दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।